आज की वीडियो में हमारे पास है फायरबोल्ट की निंजा स्मार्ट वॉच। इस वीडियो में हम इस बात करने वाले हैं कि इसका टाइम आपको कैसे सेट करना है, कैसे टाइम सेट होता है। तो टाइम सेट करने का तरीका है जो कि बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है देखने को स्मार्ट वॉच में टाइम सेट करने का। तो इसको मैनेज करने के लिए एक एप्लीकेशन आता है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें यह क्या होता है कि ऑटोमेटिकली इसका टाइम डेट सब कुछ सेट हो जाएगा। आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जैसे आप एप्लीकेशन से इसको कनेक्ट करेंगे। तो कौन सा एप्लीकेशन है सिंपली आपको मैं बता देता हूँ। प्ले स्टोर पर आपको जाना है, प्ले स्टोर को आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देख सकते हो डीएफिट, ये एप्लीकेशन है। आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। अब एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद इसको आपको सबसे पहले कनेक्ट करना रहता है, जो कि आप कनेक्ट करने के लिए सिंपली क्या करना है, चलिए मैं इसको पहले अनइंस्टॉल करता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अब फिर से मैं इंस्टॉल करता हूँ ताकि आप भी अच्छी तरीके से समझ जाए। इंस्टॉल हो रहा है हमारा एप्लीकेशन, आपको भी इस तरीके से इंस्टॉल करना है। अब यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हो, अपना फोन का SMS इसमें देख सकते हो। अगर आपको कोई फोटो कैप्चर करना है तो दूर से आप स्मार्ट वॉच पे क्लिक करके टाइमर ये चालू हो जाएगा, उससे फोटो कैप्चर कर सकते हो। स्मार्ट वॉच की होम स्क्रीन पे आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, अपना खुद का फोटो भी लगा सकते हो इसी एप्लीकेशन से। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिंपली ओपन करेंगे अभी ये स्क्रीन हो रहा है बेसिकली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, आपको इस तरीके से प्रोफाइल आ रही है। आप डेट ऑफ बर्थ अगर आपको ऐड करना है तो कर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो आपकी प्रोफाइल। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसका कनेक्ट करने का सिंपल सा प्रोसेस है, आपको स्मार्ट वॉच को ऑन करना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अलाउ करना है आपको। फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो उसके बाद सबसे ऊपर ऑप्शन आता है ऐड स्मार्टफोन, इस पर क्लिक करेंगे और फिर से अलाउ कर देंगे। अलाउ, अब सिंपली आपका जो डिवाइस है वो इसमें ऐड हो चुका है, मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, बैक कर देना है आपको। अब बस आपका टाइम ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है, ऐड हो गया आपका, बस आपका टाइम सेट हो चुका है। और यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, नीचे क्लिक करेंगे इस पर तो यहाँ से आप ऐड डिवाइस, चलो कर देते हैं एक बार, इस पर क्लिक कर देते हैं ये डिवाइस हमारा। अब यहाँ से देखिए होम स्क्रीन चेंज कर सकते हो। अगर आपका खुद का फोटो आपको चाहिए तो एडिट पे क्लिक करके आप यहाँ से चूज फ्रॉम एल्बम पे क्लिक करके खुद का फोटो, चलिए मैं आपको एक लगा के दिखा देता हूँ। कोई सा भी एग्जांपल के लिए मैं आपको कोई सा भी एक लगा के दिखा देता हूँ, ये लगा देता हूँ। उसके बाद ऊपर क्रॉप करके राइट कर देंगे आप, उसके बाद सेव कर देंगे। यहाँ पे भी आपको टाइम को रखना है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है स्विचिंग बैकग्राउंड, उसके बाद आपकी स्मार्ट वॉच में बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से अपलोडिंग लिखा हुआ आ रहा है और उधर स्विचिंग बैकग्राउंड आ रहा है, जो कि 100% हो जाने के बाद आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, जो सेम आप इसमें फोन में अपना खुद का फोटो भी इसमें एडजस्ट करके लगा सकते हो। तो चलिए यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो। इसको होने के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर सक्सेसफुली जो फोटो हमने ऐड किया था वो इसमें आ गया है। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी और वीडियो देखने के लिए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।